समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी जिले के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वेद प्रकाश नाम के एक सेल्समैन की मौत हो गई। वेद प्रकाश के परिवार वालों का कहना है कि वे एक मॉल में काम करता था। मंगलवार की दोपहर वेद प्रकाश मॉल से छुट्टी लेकर निकल आया था। सिपरी बाजार में उसने चाय पी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और वह लड़की के साथ में फिल्म देखने चला गया। इसके बाद से वेद प्रकाश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मंगलवार की देर रात जीआरपी थाने से फ़ोन आया कि वेद प्रकाश घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। जब घरवाले मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पर उपचार के दौरान वेद प्रकाश की मौत हो गई। जीआरपी के सिपाही ने बताया कि वेद प्रकाश रेल की पटरी पर पड़ा हुआ था। महाकौशल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। वेद प्रकाश को जीआरपी के सिपाही मेडिकल कॉलेज लेकर गए। इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताई गई है जिसके तार उस अज्ञात लड़की के साथ जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, साथ ही वेद प्रकाश का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। झांसी से मनीष अली के साथ विजय माहौर की रिपोर्ट। मैं इसी क्षेत्र से पार्षद हूँ। देखिए कल एक जीआरपी सिपाही का उनके भाई के पास फ़ोन आया कि आपके भाई को मेडिकल में भर्ती है, तो ये इनके भाई और परिवार के लोग मेडिकल गए तो देखा कि उनका भाई आईसीयू में था और बहुत बुरी हालत में, दयनीय हालत में था वो। तो उसके 5 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके भाई की हत्या, वो मृत हो गया, आपका भाई की मृत्यु हो गई। तो ये लोग फिर जीआरपी सिपाही ने इनको बताया कि आपका भाई रेलवे ट्रक पे डला हुआ था। चूँकि महाकौशल एक्सप्रेस वहाँ से निकल रही थी तो महाकौशल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने गाड़ी को वहाँ लाइन पे रोक दिया और जीआरपी सिपाहियों को सूचना दी कि एक व्यक्ति यहाँ पे रेलवे लाइन पे लेटा हुआ है या चोटिल है। तो जीआरपी सिपाहियों ने उसको भर्ती कराया। जब इन लोगों को, परिवारजन को उसकी सूचना मिली तो उसकी पुलिस जाँच करे, जो भी उसमें दोषी हो और कड़ी से कड़ी पुलिस इसमें मतलब गंभीरता से जांच करे और जो दोषी हो उन्हें सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ व फेको सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा, झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त डॉक्टर रमेश चंद्रा द्वारा नेत्र संबंधी समस्त बीमारियों का आधुनिक मशीनों द्वारा परीक्षण व उपचार, जिसमें मोतियाबिंद का फेको विधि द्वारा ऑपरेशन, ग्लूकोमा व काला पानी का ऑपरेशन व इलाज, रेटिना की जांच, पलकबंदी की सर्जरी, चश्मे की कंप्यूटर द्वारा जाँच इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, प्रत्येक माह की 20 तारीख को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोतियाबिंद रोगियों के ऑपरेशन पर विशेष छूट का प्रावधान भी है। चंद्रा नेत्रालय, मिनरवा चौराहा, जय दुर्गा मेडिकल स्टोर, झांसी। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा।